पुलिस का रुतबा और रौब क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। पुलिस में भी थानेदार की महिमा सबसे निराली होती है। इस महिमा का बखान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खेत में बैठा एक बालक बता रहा है जितनी पोस्टें हैं भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की। भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की जितनी पोस्टें हैं भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की। इस बाल गायक का नाम राजा ठाकुर है और ये अपने खेत पर बैठकर थानेदार की महिमा का बखान कर रहा है। राजा ठाकुर बुंदेली लोकगीत शैली में अपनी बात कह रहे हैं। उनके इस गीत में थानेदार की कार्यशैली और उस पर व्यंग साफ नजर आ रहा है। बुंदेलखंड इलाके में थानेदार को सबसे बड़ी तोप माना जाता है और उनका रुतबा किसी आईजी से कम नहीं होता। इलाके में जो थानेदार कह दे वही सबसे बड़ा सच है। राजा ठाकुर के इस गीत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष भी है और लोकगीत की मस्ती के साथ व्यंग भी। जितनी पोस्टें हैं भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की। लफड़ा झपड़ा जब बिद जावे करण रिपोर्ट थाने में जावे पहले पैसा उते चढ़ावे तब मुंशी कलम चलावे। लफड़ा झपड़ा जब बिद जावे करण रिपोर्ट थाने में जावे पहले पैसा उते चढ़ावे बाद में मुंशी कलम चलावे। नंगा दे लगने हाँ नंगा दे लगने बात ना उधार की सबसे कठिन थानेदार की जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की। हाँ जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की। इस लोकगीत में मंत्री पर भी कटाक्ष है और ये बताया गया है कि बड़ा तो थानेदार ही है, उसी के कहने से एफआईआर कटती है। इस गीत में गुंडे बदमाशों पर व्यंग है कि मार सबको ठीक कर देती है पहले हथे वे धुरंधर बने फिर हथे जोन सिकंदर पुलिस की मार में भय सरेंडर खबर बिसरे न जिंदगी भर मार की। पहले हते बहुत धुरंधर बने फिर हते जोन सिकंदर पुलिस की मार में भय सिलेंडर खबर बिसरे ना जिंदगी भर मार की सबसे कठिन थानेदार की जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।